समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। तब मैदान कांग्रेस का था और वक्त भी कांग्रेस का था, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने एमपी का हाथ नहीं थामा और अब अखिलेश की पार्टी यूपी में हरियाणा का हिसाब किताब करने की तैयारी में है। सियासी लहजे में कहें तो यूपी में बंदूक भी एसपी के पास है, गोली भी एसपी के पास है और वक्त भी अखिलेश का है। कांग्रेस को मिलने जा रही है गाजियाबाद और खैर की वो सीटें हैं जहां एसपी के जीतने की उम्मीद बेहद कम है और कांग्रेस भी कई दहाइयों से यहां कोई कमाल नहीं कर पाई है। गाजियाबाद में कांग्रेस 2002 में आखिरी बार जीती थी, वहीं एसपी की साइकिल 2004 में आखिरी बार यहां चली थी। 22 में कांग्रेस को इस सीट पर सिर्फ 1514 वोट मिले थे। हरियाणा में अखिलेश की साइकिल को सियासी सड़क न देने का खामियाजा अब कांग्रेस को यूपी में चुकाना पड़ सकता है। हालांकि कैमरे पर सुर्ख फिलहाल सधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी, खासतौर से कांग्रेस, सभी नेताओं में सीटों के बारे में आम सहमति हो गई है। सीटों के बंटवारे में कहीं असमंजस नहीं होना चाहिए। पार्टी के स्तर पर बात चल रही होगी और पार्टी में जो लोग बात कर रहे हैं वही इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मैच 10 दिनों के अंदर कांग्रेस के लिए ये तीसरा झटका है। पहला हरियाणा में करारी हार मिली, दूसरा कश्मीर की हुकूमत में हिस्सेदारी नहीं और तीसरा यूपी में इत्तेहाद, लेकिन वो भाव नहीं मिल रहा। जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणामों ने इंडी गठबंधन कर रख दी है, जो झूठ का गुब्बार राहुल गांधी ने फुलाया था लोकसभा के चुनाव में, उसमें पिन चुभ गई है। अब उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से कौन सा प्रत्याशी उतारे। जो मिलना चाहिए या ये कहा जाए कि उन सीटों पर कांग्रेस की पकड़ थोड़ी कम है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो इंडिया ब्लॉक की 3 बड़ी पार्टियां मौजूद हैं। वहां अखिलेश अपनी सियासी साइकिल दौड़ाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव महाराष्ट्र के मालेगांव और धुले में रैलियां कर रहे हैं। ये रैली ऐसे वक्त में हो रही है जब एसपी को एमवीए सीट शेयरिंग में कोई भाव नहीं दे रही है। सर मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियां महाविकास आघाड़ी में है जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊंगा। अखिलेश की नाराजगी का नुकसान कांग्रेस मध्य प्रदेश और हरियाणा में उठा चुकी है, तो सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस वही गलती दोहराने जा रही है? क्योंकि जिन सीटों पर एसपी ने दावा किया वो मुस्लिम अक्सरत इलाका है, तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश कांग्रेस के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी करने वाले हैं? एमपी और हरियाणा की पिक्चर महाराष्ट्र में भी रिलीज होने वाली है और इसका असर यूपी जिम्नी इंतखाब पर भी दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।